नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। पांवटा साहिब सिविल अस्पताल परिसर में कायाकल्प पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शिकायत की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को इस उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में सेवारत सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया। सिविल अस्पताल में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। अस्पताल पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऊर्जा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। एसडीएम पावटा विवेक महाजन सहित सीएमओ सिरमौर डॉक्टर संजीव सहगल भी इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। वर्ष 2019 और 20 में पावटा सिविल अस्पताल का कायाकल्प की टीम ने निरीक्षण किया था, जिसमें सिविल अस्पताल प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन कोविड के कारण सम्मान समारोह नहीं हो पाया था। अस्पताल में कायाकल्प से पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए हासिल किए गए थे, जिसका 25% स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर खर्च किया जाना था, ताकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित हों। इसी के मद्देनजर कायाकल्प पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। संबोधन के दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि पावटा सिविल अस्पताल में सरकार ने कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल पावटा में चार विधानसभा क्षेत्र सलाई, पावटा साहिब, श्री रेणुका जी व नाहन के साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हरियाणा से भी मरीज पहुंचते हैं, जिसके मद्देनजर व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती थी, जिसे अस्पताल प्रशासन ने बखूबी से निभाया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का शुद्धिकरण हो। वर्ष 2014 में पावटा साहिब में दो छोटी बिल्डिंग थी तथा एक कमरे में 9 डॉक्टर बैठते थे। आज इसे 150 बिस्तरों का अस्पताल बना दिया गया है। शीघ्र ही इसे ट्रॉमा सेंटर भी बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों से आग्रह किया है कि वो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में काम करें। नहीं होनी चाहिए, हम अपने ड्यूटी पर समय पर आए, समय पर पेशेंट को हम चेक करें और सही सलाह दें। कई बार होता क्या है, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, देखने में वो ठीक, उसका बीपी डाउन हो रहा है, डॉक्टर को पता है रिकवर नहीं इस हॉस्पिटल में करता, उसको रेफर करना पड़ेगा बाहर के हॉस्पिटल में, परंतु सामने अटेंडेंट क्या बोलता है, चल के तो आया, एडमिट भी नहीं मेरे कहने से। ये डॉक्टर की परिस्थिति का डॉक्टर्स को पता होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, आप अपना बेस्ट से बेस्ट काम करिए, अच्छे से अच्छा रिजल्ट दीजिए, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी कोशिश है कि शीघ्र से शीघ्र इस हॉस्पिटल के सभी पद भरे जाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।